नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बकायदा वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती अब की जाएगी। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला यहां पहुंचा दिया गया है मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्योंकि लगातार मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ जो है बात कही है और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 350 साल का सच पाताल से निकला। अखंड भारत में सिर्फ शिव ही सत्य। हरा हरा महादेव। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं, बाबा ही बाबा हैं। बम बम बोल रहा है काशी पर। शिव की ज्ञानवापी आखिरी मुहर बाकी। सनातन के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है। काशी नगरी बम बम वाले जयकारों से गूंज रही है। दीवारें बोल रही हैं, पत्थर चहक रहे हैं। पाताल से धरती का सीना चीरकर 350 साल पुराना वो सच बाहर आ गया है, जिसे छिपाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में झूठ के पर्दे लगाए गए थे। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 3 दिनों तक जो सर्वे किया गया, उसमें कुछ ऐसे सबूत बाहर आए हैं जिसने सनातनी परंपरा की सच्चाई पर मुहर लगा दी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के अंदर अलौकिक शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने के पास मौजूद जिस तालाब में शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है, उसी तालाब का पानी निकालने का अंजुमन इंतजामिया विरोध कर रहा था। हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब से पानी निकालने के दौरान तालाब की तलहटी में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। दावा है कि ये शिवलिंग बेशकीमती पन्ना पत्थर का बना है। कहा ये भी जा रहा है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त है। सर्वे के दौरान जिस वक्त शिवलिंग मिला, उसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने तुरंत बनारस सिविल कोर्ट का रुख कर दिया। मांग की गई कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे सील करने के आदेश दे दिए हैं। जहां शिवलिंग मिला वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी है। ज्ञानवापी परिसर में 20 से ज्यादा लोग नमाज के लिए प्रवेश नहीं कर सकते। बनारस के पुलिस कमिश्नर, डीएम और सीआरपीएफ के कमांडेंट को उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया? तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी। मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुहारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। शिवलिंग के साथ साथ मूर्तियां, नंदी, सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां तक के मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी में सनातनी सबूतों के बड़े दावों के अलावा अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे सुनवाई होनी है। फिलहाल 3 दिनों के सर्वे के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिन्होंने हिंदू पक्ष के चेहरों पर चमक ला दी है और काशी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कोर्ट में आज जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है, 3 दिनों तक जो सर्वे किया गया उसमें कई अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, 3 दिनों तक किए गए सर्वे के दौरान आखिर क्या क्या हुआ, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहले दिन की हम बात करें तो देखिए, 4 तहखानों को लेकर इसकी वीडियोग्राफी की गई, दीवारों की बनावट का अध्ययन किया गया, 50% का जो हिस्सा है वो सर्वे में रहा। अब दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन गुबद
तालाब और इसके साथ ही दीवारों का सर्वे किया गया, छत और चार कमरों का भी सर्वे किया गया और कई चीजें बरामद की गई। तो देखिए, तालाब के पास वीडियोग्राफी जब की गई थी दूसरे दिन, उसके बाद जब हम तीसरे दिन आए तो वहां बाबा मिल गए। जी हाँ, देखिए किस तरह से वहां हर हर महादेव के नारे लगने लगे थे। काला पत्थर मिला जो शिवलिंग है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी दी। वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया, शिवलिंग की जगह को सील करने का आदेश भी दिया गया। और वहीं देखिए, शिवलिंग के आसपास जाने पर अब रोक लगा दी गई है। जो वजू है, वजू के स्थान पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। 20 लोगों को ही अब नमाज पढ़ने की वहां पे इजाजत दी गई है। तो 3 दिन तक कुल मिलाकर 10 घंटे का सर्वे चला और कई अहम चीजें सामने आई। और इसी बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया कि हमारा पक्ष मजबूत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, पूजा बताएं। बिल्कुल, देखिए ज्ञान व्यापी में हुए सर्वे के बाद अब ओवैसी एक बार फिर से भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और रहेगी। तो भड़काऊ बयान देखिए, एक बार फिर से मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक के बिगड़े बोल सामने आए। मस्जिद से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लगातार जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। अब मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान सामने आया कि मस्जिद से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही देखिए, महबूबा मुफ्ती वो भी यहाँ बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए नजर आए। तो देखिए अब यहाँ किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है। सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। ज्ञान व्यापी पर जाग गई जहरीली फौज। कट्टर भाईजान नहीं मानेंगे संविधान। बाबरी की दुहाई, कोहराम मचाएंगे दंगाई। ज्ञान व्यापी की जमीन सच्चाई के सुलगते शोले उगल रही है। झूठ के पर्दे गिर रहे हैं और सनातन की अखंड विरासत की जीती जागती तस्वीरें बाहर निकल रही हैं। AIMIM वाले ओवैसी भाईजान को ज्ञान व्यापी वाली असलियत ने जो तमाचा मारा है उससे वो आग बबूला हो उठे हैं। दिमागी संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि ज्ञान व्यापी से बाहर आ रही सच्चाई उन्हें मुसलमानों के खिलाफ साजिश लग रही है। शिवलिंग फव्वारा दिख रहा है और कोर्ट का फैसला मुसलमानों के साथ जुल्म। दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है। आज के कोर्ट का फैसला मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर एक हमला मैं सुखरार देता हूं। एक तरफ ओवैसी जहरीले बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन तेजाब उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद कयामत तक रहेगी। मुसलमान अब इन तमाम मामलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमने एक बार बाबरी मस्जिद दे दी, हमारे सब्र का पैमाना ज्ञान व्यापी के सबूतों के बारे में सुनकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के पेट में भी ऐठन शुरू हो गई है। ज्ञान व्यापी के बहाने वो बीजेपी पर वार कर रही हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद, भी ज्ञान व्यापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं। क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ज्ञान व्यापी विवाद पर सियासी गलियारों में मचे घमासान के बीच बीजेपी नेताओं ने भी हर वार पर पलटवार किया है। ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डेराबे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। और ऐसे तमाम लोगों को एक ही संदेश देना चाहते हो, शांति और भाईचारे का, और कुछ इतिहास के पन्ने खोलकर पढ़ लेंगे तो शायद जो बंद बुद्धि है वो थोड़ा खुल जाएगी। ज्ञान व्यापी विवाद पर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी ज्ञान व्यापी की आड़ में दंगे की कहानी गढ़ रहे हैं, इसीलिए काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।